यदि किसी राज्य को अपने अधीन करना है तो उसकी इकोनॉमिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा आघात करो, तो लास्ट में आके वो आपके अधीन आ जाएगा। बार गो माता बोला और सिर्फ एक बार भारत माता की जय बोला जानबूझ के। कारण क्या है कि अभी मैं सिर्फ आधे घंटे की प्रेजेंटेशन दूंगा जिसमें आप भारत के बारे में जानेंगे, आज के भारत के बारे में, और एक संकल्प होगा आखिर में। अगर वो संकल्प आप लेते हैं तो भारत माता की जय बोल के यहाँ से जाएंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है भारत माता की जय बोलने की। क्यों? अंग्रेजों से हमें भारत मिला, राजीव भाई ने बोला 99 साल की लीज पे मिला। ये 99 साल की जब लीज रखी गई तो कुछ तो प्लानिंग होगी जिसकी वजह से 99 साल लिखी। आप लोगों के पास किसके पास डीडीए के फ्लैट है? डीडीए के फ्लैट है किसी के पास या डीडीए के प्लॉट है? नहीं, उनकी रजिस्ट्रेशन में देखना, उसमें जो आपको फ्लैट देते हैं उस पर भी वो ये बात लिखते हैं कि आपको ये फ्लैट 99 साल के लिए दिया जा रहा है। पता है आप लोगों को? पता है ना? हाँ, ये 99 साल कहाँ से आया? जब हमारा देश आजाद था और मैंने एक जमीन खरीद ली, मैंने एक प्लॉट खरीद लिया, डीडीए का या फ्लैट खरीदा, गवर्नमेंट का कोई फ्लैट खरीदा, तो मैंने पैसे दे दिए मालिका ना हाथ मेरा, ये 99 साल की लीज से क्यों दिया जा रहा? तो इसी तरह से एक बार सुनते सुनते मैंने राजीव भाई को एक बात पे सुना था कि वो मनमोहन सिंह के बारे में बता रहे थे कि मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने हमारे देश का रुपया 33% गिराया था। अब आप बोलोगे इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आपके रुपये की वैल्यूएशन गिरती है ना तो आप इंटरनेशनल मार्केट में उधारी के हकदार बन जाते हैं, आपके ऊपर उधारी ज्यादा चढ़ने लगती है। आप जो चीज आज 100 रुपए की बेच रहे हो अगर वो डॉलर आज 50 रुपए का है तो आपको $2 मिलेंगे, मतलब आपको $2 की कमाई होगी और 100 रुपए में वो चीज बेचेंगे, और वही डॉलर अगर 100 रुपए का हो गया तो आपके 100 रुपए लगे और आपको मिला सिर्फ $1। तो इसी चीज को ढूंढते हुए थे मेरे दिमाग में बात आई कि राजीव भाई का अपने जो डेटा था मेरे को नहीं मिला तो मैं इसमें ढूंढने में लग गया। तो आज मैं डॉलर के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, करेंसी के बारे में नहीं बात करूंगा, आज मैं वो बात करूंगा कि उसको ढूंढते ढूंढते वो चीज मिली जो मेरे को नहीं मालूम था कि मुझे मिलेगी। और आज जो भी बात मैं बोल रहा हूँ उस सबकी डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास है, जिसको जो चीज भी देखनी हो आप यहाँ आके वो कागज मेरे से देख सकते हैं। अब सबसे पहले मेरे हाथ में कागज आया था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ये है 31 मार्च 2017 का एक प्रेस रिलीज, यानी कि हमारे बजट का प्रेस रिलीज। इसमें ये लोग बोलते हैं कि आज इंडिया के ऊपर जो उधार चढ़ा हुआ है वो $471.9 बिलियन का है। अब आप एक चीज बताइए कि मैं एक एग्जांपल आपसे पूछता हूं कि दो भाई थे, एक भाई है किसानी कर रहा है, उसके पास 2 एकड़ जमीन है, फटे हाल में है, कुर्ता भी फटा हुआ है और उसकी लुंगी भी फटी हुई है, लेकिन वो जमीन जो है मान के चलो दिल्ली के बॉर्डर पे, और वो जमीन कम से कम 20 करोड़ की है। और एक दूसरा भाई था, उसने अपनी जमीन को बेचा और जनकपुरी के अंदर उसने एक आलीशान फ्लैट बना लिया, उसमें वो मर्सिडीज में घूमता है और बिजनेस के अंदर उसे लॉसेज हैं, उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का उधार हुआ है। आपकी नजर से
आपकी नजर से बताइए, आप किसको अमीर समझते हो? जब आप सामने देखोगे तो आप किसको सोचोगे कि वो अमीर है? बताओ, बीच में से जवाब दीजिए। किसान अमीर है या आप जो कोठी में देख रहे हो वो अमीर है? देखने में कोठी वाला लगेगा। हाँ, देखने से। क्यों? क्योंकि हम हमेशा देखने पे ही जाते हैं कि हाँ ये देखने में मर्सिडीज में आ रहा है, उससे बात भी नहीं करेंगे। और किसान है, अगर वो कुछ बेच भी रहा होगा ना, तो उसको आप क्या बोलोगे? क्या भैया 10 रुपए की क्यों बेच रहे हो, 9 रुपए की मिलनी चाहिए। 1 रुपए के पीछे आप किसान से आप बैठ जाते हो। रिलायंस में जाके धड़ाधड़ सब्जियां लेते हो और वो आपको 2 किलो 200 ग्राम तक के पैसे ले लेता है, लेकिन आप में से कोई नहीं कहता कि भैया 200 ग्राम तो छोड़ दो। लेकिन सब्जी वाले के पास जाओगे, 2 किलो देंगे तो उसे बोलेगा भैया मिर्ची नहीं दी मुफ्त में, धनिया तो डाल दो। ये जो हमारा सोच है ना, मुझे इस सोच के ऊपर ही बड़ा मैंने पूरा दिमाग लगाया कि लोगों को क्या चीज बताऊं कि लोगों को ये समझ आए कि हमने अपनी सोच बदल ली है। तो अब इसके अंदर एक मजे हंसी वाली खबर क्या थी जो मेरे को पढ़ने के बाद हंसी आई। इन्होंने ये बोला कि पिछले साल जो हमने लोन लिया था उससे हमने 13% लोन कम लिया है। यानी कि पिछले साल मैंने 100 करोड़ लोन लिया था, इस बार मैंने 87 करोड़ लोन लिया है। इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी पीठ थपथपाती है, आपको बताती है कि हाँ हमने 13% कम लिया, ये नहीं बोलती कि हमने लोन ही नहीं लिया। लोन लेते हैं ये लोग। अब दिक्कत ये आई कि मुझे ये लगा कि इतना लोन है तो ये लोन के पैसे कहाँ हैं? क्वेश्चन तो ये रेज होगा ना कि इतना लोन अगर हमारे ऊपर चढ़ गया, अगर मेरे ऊपर कोई लोन है तो मुझे पता है कि किस चीज के ऊपर मेरे पास लोन चढ़ा। तो मैंने ढूंढना शुरू करा कि देखो ये डिटेल ऑफ लोन्स मुझे कहाँ मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो ये थोड़ा सा डिस्प्ले इसका ठीक नहीं आ रहा है, तो ये मैनेज कर लेना। तो इसमें मैंने क्या करा, सबसे पहले गूगल के अंदर जाके मैंने टाइप करा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट नजर आ गई मुझे। उसके बाद मैंने टाइप करा मिनिस्ट्री ऑफ होम, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट मुझे नजर आ गई। इसके अलावा एक आई मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन, तो पेंशन पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस की ये वेबसाइट मुझे दिख गई। मिनिस्टर ऑफ रेलवे, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की वेबसाइट नजर आई। उसके बाद मैंने इसमें बड़ा देखो कैची वर्ड थे, तो कैची वर्ड से ही गूगल काम करता है, तो मैंने इसके अंदर डाला डिटेल्स ऑफ लोन्स ऑफ इंडिया। पूरे गूगल के पेज के अंदर, अगले 10 पेज के अंदर मुझे कोई वेबसाइट नहीं मिली। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया कि ये वेबसाइट है कहाँ। और ये वेबसाइट मैंने हर तरह से डिटेल ऑफ लोन्स, IMF से लोन, यहाँ से लोन, वहां से, मतलब जितने गूगल में मैं स्टिंग डाल सकता था मैंने डाल के उसको ढूंढने की कोशिश करी कि मुझे लोन की डिटेल्स कहीं मिल जाए, वो नहीं मिली। उसके बाद मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मैंने RTI लगाई। RTI से मैंने उनसे डेटा मांगा कि डिटेल ऑफ लोन्स कितना डेप्थ है इंडिया के ऊपर ये बताया जाए। तो उन्होंने मुझे डेटा देने से पहले तो आधा अधूरा दे दिया। फिर मैंने एक और RTI लगाई, फिर उन्होंने एक जवाब नहीं दिया। अपील में गया, अपील में जाने के बाद उनको लगा कि अब ये एकदम से लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो उन्होंने मुझे 700-800 पेज का डॉक्यूमेंट भेज दिया और कहा जी ये लोन है, आपने जो ढूंढना है ढूंढ लो। उसमें कहीं ऐसी डिटेल नहीं थी कि हम कौन कौन सी कंट्री से लोन ले रहे हैं, कैसा लोन ले रहे हैं, किस काम के लिए लोन ले रहे हैं। तो मैंने अपने लेवल पे कुछ चीजों को भी निकलवाया वहां से, और उसके बाद पता चला कि उसी के अंदर एक RTI के अंदर किसी और की RTI थी, उसमें मुझे पता चला कि डिटेल ऑफ लोन्स की डिटेल भी ऑनलाइन अवेलेबल है। और ये ऑनलाइन अवेलेबल है और आप लोग उसे ना देख पाए तो उस वेबसाइट का नाम रखा है इन्होंने AAAAD.gov। अब AAAAD से आप जिंदगी में कभी सर्च नहीं कर सकते थे कि लोन की डिटेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस वेबसाइट में अवेलेबल करा रखी है आप लोगों के लिए। सारे नाम इनके कैची हैं, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेलवे, जो मिनिस्ट्री ढूंढना चाहते हो आप इसके अंदर ढूंढ सकते हो, लेकिन डिटेल ऑफ लोन की वेबसाइट इन्होंने रखी भी है और आप ढूंढ नहीं सकते, गूगल उसे पकड़ता ही नहीं है। अब यहां से डेटा मेरे को निकलना शुरू हुआ कि ये यहां से क्या क्या लेते हैं। तो पहले मैं सबसे पहले गया कि IMF की वेबसाइट पे गया, क्योंकि IMF की वेबसाइट, क्योंकि हमें मुझे पता था कि ये IMF से बहुत लोन आता है यहां पर, तो मैंने IMF की वेबसाइट पे गया और वहां पे जाके देखा तो मुझे एक स्ट्रिंग मिला जिसपे लिखा हुआ था लोन्स गिवन टू इंडिया। उस पर जैसे ही क्लिक करा, पेज नॉट फाउंड, ये एरर आता है, ये आपको दिखता नहीं है।
ये इसका वो पेज है जिसके अंदर एट ए ग्लांस इंडिया एंड द आईएमएफ, इसके अंदर उन्होंने एक स्ट्रिंग दे रखी है कि इस पे क्लिक करो तो आपको इंडिया को दिया हुआ लोन आएगा, और उसको इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईएमएफ ने भी इवन पेज नॉट फाउंड करके ऐसे दिखा दिया। अब जितना मैं इसको ढूंढता गया 1.5 साल में, उतना इसके अंदर घुसता गया और उतना ही कुछ ना कुछ मुझे मिलता भी रहा। अब प्रश्न ये उठा कि इन्होंने ये लोन लिया तो क्यों लिया, कारण क्या था लोन लेने का। तब पता चला कि अब तक हम लोग 33 कंट्रियों से लोन ले चुके हैं और करीबन 5 से 6 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब कि कहने के लिए वो बैंक्स हैं, लेकिन उस बैंक का बैंक किसी भी कंट्री के अंडर नहीं है, तो इसलिए उधर से भी बहुत लोन लेना शुरू कर दिया। और अगर आप देखें तो आप जैसे अगर मान लो मुझे भी लोन की जरूरत हो, मान लो मुझे होम लोन चाहिए, तो मैं किसी बैंक के पास जाता हूँ कि चलो जी SBI से ले लो, यहाँ से ले लो। जब मेरा लोन पूरा ना हो तो मेरा सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि अपने रिश्तेदारों से मांग लो। अगर मेरा वहां से भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो मेरी अगली क्या होती है कि जिस आदमी से मैं बात ना भी करता हूँ मैं वहां भी ट्राई मारूंगा कि यार शायद ये कुछ पैसे ये भी दे दे। यानी कि जो आदमी मेरे से कम क्षमता वाला है मैं उसके पास जाके भी लोन मांगता हूँ। ये टेंडेंसी है लोन लेने की। तो मुझे ये लगा चलो IMF से लोन लिया इन्होंने, इन्होंने अमेरिका से लोन ले लिया, कई बड़ी कंट्री से लोन लिया, समझ में आता था। लेकिन जब पता चला कि इन्होंने डेनमार्क से लोन लिया, डेनमार्क ऐसा है कि अगर केरल के जितने आबादी है वहां पे बैठा दे तो हमारी केरल की आबादी उससे ज्यादा है, इतने छोटे छोटे कंट्री से भी इन्होंने लोन लिया। यानी कि हमें लोन देने से बड़ी कंट्रियों ने मना कर दिया तो हम छोटी कंट्रियों के पास जाके भी इटली से, और इटली की तो इतनी सुंदर कहानी है कि आप सोचोगे कि राजनीति हो रही थी या कुछ और हो रहा था यहाँ पे, हमारे राजनेता करते क्या है आप, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाएगा उनके ऊपर जब आप इटली के लोन को समझेंगे कि इटली से हमने क्यों लोन लिया। अब इसके अंदर हम लोगों को करना क्या, पहले ये समझिए, लोन तो मैं बता ही दूंगा आपको। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि किस तरह से इकोनॉमी से हमारे साथ खेला जाता है। आज की तारीख में आप सबको मालूम है कि आज इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की जरूरत है, हर आदमी डॉलर लेने की कोशिश करता है। क्या करें, अब व्यवस्था ऐसी है कि अब हमारा जो पुराना समय था जब हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे, उस समय पे जो कार्य करते थे, उस समय जो हमारी करेंसी की वैल्यू थी, भारत की जो करेंसी की वैल्यू थी, वो अब नहीं रही। तो इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे आपका ये DSLR कैमरा होते हैं, कैमरा देखे ना आप लोगों ने जिसमें लेंस अलग हो जाता है, होता है लेंस, पता है आप लोगों को। वो लेंस में क्या होता है कि ये लोग जो प्रोफेशनल कैमरा वाले हैं ये क्या करते हैं, कई बार उस लेंस को रिवर्स करके लगाते हैं। कोई बहुत ही नजदीक से चीज को खींचना हो, मतलब इतना नजदीक के 2 या 3 सेंटीमीटर से कोई फोटोग्राफ लेनी हो, तो उस लेंस को वो रिवर्स करके लगाते हैं। तो उस लेंस को रिवर्स करवाने के लिए एक चूड़ी लगती है बीच में। वो चूड़ी की कीमत अब अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो 1000 से 1200 रुपए की है, और अगर आप जैसे किसी चांदनी चौक एरिया में जाते हो तो वो 600 से 700 रुपए है। और वही चूड़ी अच्छी बनी हुई चाइना आपको आपके घर में सिर्फ $2 में पहुंचा देता है। $2 का मतलब क्या हुआ, 140 रुपए में। अब ये 140 रुपए का क्या है, वहां की सरकार को ये पता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वो अपनी उनकी इकोनॉमी ऐसी हो गई है कि उन्होंने चाइना की हर आइटम को इतना सस्ता कर दिया है कि एक एक डॉलर दो दो डॉलर की चीजें भी चाइना से हिंदुस्तान में आती है, और वो आपसे कोई पोस्टेज का चार्जेस अलग से नहीं लेते। हाँ, जब उनको आप कहोगे कि मुझे DHL की सर्विस चाहिए तो वो उसी $2 के ऊपर $50 बढ़ा देते हैं, तो आदमी हट जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। चाइना पोस्ट जो है एक उनकी गवर्नमेंट, जैसे हमारा इंडियन पोस्ट है ऐसे उनकी गवर्नमेंट की चाइना पोस्ट है, वो उस चाइना पोस्ट से माल आपके घर पहुंचाते हैं $2 का $1 का, आपसे पेमेंट डॉलर में लेते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लेते हैं, जैसे आप करते हो तो आपके डेबिट कार्ड में पैसे करेंसी इंडियन करेंसी में कटते हैं और उसके पास $1 चला जाता है। तो अब आप देखो कि चाइना $1 की चीज बना बना के हमारे यहाँ पे भेज रहा है, क्यों, क्योंकि उसको बहुत बड़ी शक्ति बनने का है कि मैं बहुत बड़ी शक्ति बनूंगा और हम लोग उसमें योगदान करते हैं। अब हमें करना क्या है, इसमें करना यह है कि जितना बेयर मिनिमम, देखो आज आप मोबाइल ले रहे हैं तो मोबाइल आपको चाइना का ही मिल रहा है, चाहे वो सैमसंग का खरीद लीजिए, चाहे वो किसी और कंपनी का, इंडियन कंपनी का भी ले लो, तो अंदर पार्ट सारे चाइना के ही हैं। लेकिन कम से कम वो चीजें जो चीजें
हिंदुस्तान के लोग बना रहे हैं, चाहे वो कुम्हार बना रहा हो, चाहे वो कोई लोहे का बनाने वाला कारीगर बना रहा हो, उनसे भी वो चीजें खरीद के अपने घर में इस्तेमाल कीजिए, तब आपका पैसा हिंदुस्तान में रहेगा। अगर आपको लगा कि नहीं, ये 700 रुपए की चीज मुझे 140 रुपए में चाइना से आ रही है, तो माफ कीजिए, हम में से भारत माता की जय बोलने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि हम अल्टीमेटली अपने आप को बेच रहे हैं सस्ता माल लेने के चक्कर में। इसी के आगे एक चीज और आपको बताता हूं, इटली के लिए, जिसके लिए मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं, इटली से हम लोगों ने लोन लिया, इटली का लोन का मैं बताता हूं कि इटली से देखो, हमारे देश के एक बहुत बड़े प्रधानमंत्री हुए हैं राजीव गांधी जी, उन्हीं के बारे में मैं आपको बताता हूं कुछ थोड़ा सा। पहले ये करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि ये हम जो लोन ले रहे हैं ये किस कार्य में आ रहे हैं। इसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर मुझे ये पता चला कि मेजर मेजर इन लोगों ने लोन किसी तरह से लिया है। इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारे देश की फाइनेंस क्या है। देखो, चाणक्य ने एक बात बोली थी, अगर आपने कभी चाणक्य को पढ़ा हो, उसने ये कहा था कि यदि किसी राज्य को अपने अधीन करना है तो उसकी इकोनॉमिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा आघात करो, अगर वो इकोनॉमिकली वीक हो गया तो लास्ट में आके वो आपके अधीन आ जाएगा। और ये चाणक्य की इस नीति के ऊपर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल 10 जून 2018 को हुआ है, जो एक न्यूज थी और हम में से किसी को कुछ नहीं पता, हमारे पड़ोसी देश की एक बहुत बड़ी खबर थी और जो किसी भी न्यूज़पेपर ने फ्रंट में नहीं दिखाई कि किस तरह से इस उधार का क्या नुकसान होता है। अब इसमें जब मैंने लोन का देखा तो आप एक चीज देखिए, आप सोचिए कि आपके पास एक बैंक बैलेंस है और मान लो गलती से होता क्या है कि बारिश आई और घर का कोई एक पोर्शन टूट के गिर गया, जहां ये पढ़ना था, मान लो मेरे घर की बाउंड्री जो थी वो टूट के गिर गई, तो मेरा पहला प्राथमिकता क्या होगी, मैं उस बाउंड्री को ठीक कराऊंगा अपने पैसों से, यही बात होगी, होगी ना ये बात, ठीक है। मैं ऐसा तो नहीं करूंगा कि मेरी बाउंड्री टूटी हुई है और मैं यहां आशीर्वाद में आके 40,000 रुपए 50,000 रुपए लगा के आप लोगों की एक व्यवस्था बनाऊं कि हाँ जी आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं, क्यों, क्योंकि वो मेरी प्राथमिकता है, मेरे पैसे वहां जाने चाहिए, मेरे घर की सुरक्षा के लिए जाने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही सुनामी आई थी केरला में, आपको याद हो, आई थी, गुजरात के अंदर अर्थक्वेक आया था, याद है, बिल्कुल याद है, बहुत बुरा हाल हुआ था। आपको पता है कि उस अर्थक्वेक के लिए और ये जो सुनामी जब केरला में आई थी, इनकी इस जगह पे ये लोग बोलते थे ना, हमने केंद्र ने 600 करोड़ रुपया 1200 करोड़ रुपया 2000 करोड़ रुपया गुजरात गवर्नमेंट को दे दिया इस आपदा से निकलने के लिए, बोला था ना, ये सारा का सारा पैसा उधार आया था, 100% उधार। ये डेटा मेरे पास है, किस किस किस्तों में आया, किस तारीख को आया, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आया, ये उधार का डेटा मेरे पास है, जो भाई देखना चाहते हो, बहन देखना चाहते हो, आप देख सकते हो। यानी कि हमारी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आज हमारे ऊपर कोई आपदा भी आती है ना, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसे नहीं है, उधार लेते हैं और वो कार्य करते हैं। यानी कि आपके यहां पे जितनी मेट्रोज बन रही है, कलकत्ता में मेट्रो बनी, दिल्ली में मेट्रो बनी और कई स्टेट्स हैं जहां पे मेट्रो बननी है, जिसमें ये लोग बोलते हैं कि हमने मेट्रो बना के अपनी पीठ थपथपाते हैं कि देखो हमारे कार्यकाल में ये पीठ थपथपाने वाला काम हुआ, हमने ये मेट्रो सिटीज बनाई, यहाँ पे मेट्रो बना दी बड़ी से बड़ी, वो मेट्रो सारी की सारी उधार में है। और जब कोई चीज आप उधार में बनाते हो तो माफ करना, आप उसके मालिक कभी नहीं बन सकते, या तो उधार ही चुकाओ नहीं तो वो सामान मेरा है, होता है ना ये, बैंक वाले से उधार ले लो मत दो, क्या करेगा, नोटिस लगा देगा आपके घर के आगे और कुड़की कर देगा, करता है ना। ये जितनी फैसिलिटीज आप ले रहे हो, ये जितने हाईवे आपके बन रहे हैं, हाईवे तो छोड़ो, जो सिटीज की मेन रोड्स हैं, इनका जो भी डेवलपमेंट होता है ये उधार के पैसे से होता है टोटली। डेटा मेरे पास है, जो देखना चाहते देख ले, स्टेट वाइज भी मिलेगा, ये जो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ इसमें जाके आप क्लिक कीजिए, आपको हर स्टेट के बारे में किसने क्या क्या लोन लिया है, कितना लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन लेती है, स्टेट डायरेक्ट जाके नहीं ले सकता, वो सारी डिटेल आपको उसके अंदर मिलेगी।
अब इसके अंदर यहां तक कि चलो ये तो मेरी वो थी कि चलो मेरे घर का कार्य था, मैंने उधार लिया। अब इसके अंदर देखो मैं बताता हूं, जैसे बीकानेर बिहार स्टेट हाईवे, वहां पे हाईवे बना था बहुत बड़ा, कर्नाटक स्टेट हाईवे, बहुत बड़े बड़े हाईवे बने थे, ये सारा पैसा कनाडा से उधार लिया था और वो हाईवे बनाया गया था और उसकी किस्तें आज तक चुकाते आ रहे हैं हम। हाईवे तो उसके बाद टूट भी गया होगा। इसके अलावा जितने भी फर्टिलाइजर्स मिल्स लगती हैं यहाँ पर, उसका पैसा सारा उधार का आता है। यहाँ के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपना पैसा नहीं लगाते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रूट करते हुए वो पैसा बाहर के कंट्री से उधार लेते हैं और वो फर्टिलाइजर जो हमारे किसानों को दिया जाता है, यानी कि सारा का सारा काम उधारी में, और उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आज उनकी कंपनी बंद करो तो उधारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सब्सिडी देती है। बड़े बड़े बंदरगाह, उनकी डेवलपमेंट, उनका रेनोवेशन करना, उनको बनाना, वो सारा काम उधार से। और लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, बिहार बैंगलोर रेलवे कॉरपोरेशन और नागपुर मेट्रो रेल, नागपुर मेट्रो रेल, ये सारा पैसा उधार से बना हुआ है और आपकी जेब से जो इनकम टैक्स के नाम पे और बाकी टैक्सेस के नाम से लिया जाता है, ये वो उधार चुकाने में रखते हैं। इसलिए जो भी कोई नया काम होता है वो सारा का सारा उधार में। आपको क्या करना है, ये डेटा लेने के बाद आप क्या करोगे? यही काम मैं कहता हूं कि जितना हो सके उतना तो कम से कम आप स्वदेशी की तरफ आइए। वो पीछे भाई खाली बैठा रहता है अपनी खांड बेचने के लिए और हम बड़े मजे से कहते हैं भाई 80 रुपए की खांड हम तो नहीं लेते, क्यों? चीनी 40 रुपए में मिलती है। आपको पता है कि चीनी का प्रोसेस खांड के बाद बनता है, यानी कि चीनी बनने के लिए पहले खांड बनती है और खांड के बाद बनने के बाद वो चीनी बनती है। तो चीनी सस्ती कहां से हुई? चीनी सस्ती नहीं होती, वो सब्सिडी में आपको दी जा रही है। वो भी मिल कंपनियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा लेती हैं और तब 40 रुपए में आपको चीनी बेच रही हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहां से पैसा दे रही है? आप ही लोगों का इनकम टैक्स का पैसा है, उसके पास कहां से आ रहा है? तो भाई अगर 80 रुपए में कोई खांड बेच रहा है, 100 रुपए में बेच रहा है, तो अपने मन में ये बात लो कि हमारा भाई अगर 10 रुपए फालतू भी दे रहा होगा तो कोई नहीं, भाई के घर तो जा रहा है। अभी क्या हो रहा है? अभी चीनी मिल वाले ले रहे हैं आपसे पैसा, गुड़ बेचते हैं 30-35 रुपए का गुड़ भी मिल रहा होता तो उसको भी आप नकार देते हो। तो अब आप लोगों को ये सारी बात बोलने का लॉजिक मेरा यही था कि आप लोग यहां जितने लोग आए हैं, देखो आप कहोगे कि मेरे घर से क्या होता है? अरे जब चाइना एक एक डॉलर में इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर सकता है, आपकी एक एक वोट से एक प्रधान सेवक आप चुन सकते हो जो आपके ऊपर राज्य करता है, तो क्या आपके घर का एक एक आदमी अगर एक एक किलो चीनी का भी तिरस्कार करके खान खरीद लेगा तो किसी का तो भला होगा? अब इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और भी थी जो कि मैं नॉर्मली डॉलर के ऊपर भी बताता था, करेंसीज के ऊपर, इंडिया की करेंसी के ऊपर, जो मैं आपको अगली बात बताया करूंगा। और एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मैं लोगों को बताता हूं वो है इटली के ऊपर। इसमें राजीव भाई से ही डेटा मुझे थोड़ा सा वहां से उनके किसी बात में बोलते बोलते उन्होंने थोड़ा सा बोला था तो मुझे वहां से ये लिंक मिला था। तो मुझे पता चला कि जो हमारे राजीव गांधी जी थे वो लंदन में गए थे 1961 को स्टडी करने के लिए, कोई ए लेवल कोर्स करने के लिए। 62 से 65 तक उन्होंने इंजीनियरिंग स्टडी करी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में, दोनों जगह से वो डिग्री लेके नहीं आए। 1966 में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एम्पीरियल कॉलेज लंदन से करी, उसे कंप्लीट नहीं करा। और जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो एक यूट्यूब में वो छोटा सा इंटरव्यू है, आप देखना कभी, उसमें क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि आपने इतने सारे कोर्सेज करे और आप डिग्री लेके नहीं आए, इसका कोई खास कारण है? तो अब क्योंकि वो प्रधान सेवक थे हमारे देश के तो ये तो कह नहीं सकते थे कि मैं कर नहीं पाया, मैं सक्षम नहीं था। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक वर्ड यूज करा कि मुझे मगिंग फॉर हिज एग्जाम, मैं मगिंग करता हूँ अपने एग्जाम्स के लिए, मुझे मगिंग मतलब एग्जाम देना मुझे पसंद नहीं है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, रट्टा लगाता हूँ, मुझे एग्जाम देना पसंद है। ये बात राजीव गांधी ने बोली थी और उसके बाद उन्होंने इसी बार में एडमिट करी। अब उधार,
इटली के साथ, इटली कितनी छोटी कंट्री है, और हम लोग वहां पर हाथ फैलाने गए थे कि हमें उधार दे दो, हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब है। 1966 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए राजीव गांधी लंदन में थे। 1968 में उनकी शादी हुई थी, सबको मालूम है, और हम सबको मालूम है कि उनकी शादी जो हुई थी, जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं उनको अच्छे से पता होगा कि उनकी जो शादी थी वो अरेंज मैरिज नहीं थी जैसे हमारे समाज में होती है। उन्होंने पसंद किया था और पसंद करने के बाद सोनिया गांधी जी से उनकी शादी हुई थी। देखो उनकी शादी 68 में हुई थी तो मान के चलो कि पसंद करने में 2 साल तो लगे होंगे, इतना टाइम तो लगता ही है ना जब किसी को पसंद करना है अपने मजे, कुछ समय भी लगता है उसके साथ वक्त गुजारने में। तो 1966 में पहली बार हमने इटली से लोन लिया। अब यहां प्रश्न चिन्ह उतरता है कि 64 में, 63 में, 62 में क्यों नहीं लिया गया, 66 में ही क्यों लिया गया जब राजीव गांधी लंदन में पहुंचे, और किस करेंसी में लिया, इटली की ही करेंसी होती है लायरा करेंसी के अंदर हमने उनसे खूब लोन लिया, और 1976 तक हम लोन लेते रहे। उसके बाद लोन बंद नहीं हुआ, लोन उसके बाद भी लिया हमने। उसके बाद हमने इटली के ऊपर थोड़ी सी, क्योंकि हम तो बहुत बड़े दानी है ना, हमारे पास बहुत पैसा था, तो हमने कहा कि नहीं आपकी करेंसी हमें पसंद नहीं आ रही है तो हम आपसे डॉलर में लोन लेंगे। अब आप समझिए डॉलर का खेल, क्योंकि लायरा की करेंसी कम है तो हम उससे जो लोन लेते थे तो हमें यह था कि ठीक है इसकी करेंसी हमसे कम है तो इससे 100 रुपए लेंगे तो हमें 70 रुपए देने पड़ेंगे, हमारा 100 रुपए का लोन चुक जाएगा। लेकिन जब हम डॉलर पे आ जाते हैं तो उस समय 76 के आसपास 50-55 रुपए के आसपास का डॉलर था, तो अगर मैं इटली से डॉलर में करेंसी से लोन लूंगा तो कल को चुकाते समय मुझे डॉलर में पेमेंट करनी है। नतीजा क्या होगा कि आज डॉलर 70 रुपए का है, मैंने लोन चुकाया 5 साल के बाद, 5 साल डॉलर 70 से 80 रुपए आ गया, तो मुझे अगर मैंने उससे 100 डॉलर लिए हैं तो मुझे 100 डॉलर ही उसको वापस करने हैं, लेकिन मेरा हिंदुस्तान का रुपया 70 रुपए की जगह पे 80 रुपए में लग गया, और उसने जो इंटरेस्ट कमाया वो अलग, मूल चुकाने में ही मेरे को पहले से ही समझ के चलो कि 20-25% मेरी कॉस्ट बढ़ गई उसको चुकाने के लिए। तो 1984 के अंदर हमने इटली से डॉलर्स के अंदर लोन लेने लगे, डॉलर में लोन लेने लगे। अब पहला डॉलर का लोन आया था 1984 में और आखिरी आया है 2005 में। 1984 से लेकर 1990 तक हम लगातार इटली से लोन लेते रहे। ये वो पीरियड है जब राजीव गांधी यहाँ के देश के प्रधानमंत्री, यानी कि क्या हमारी राजनीति, हमारे आपसी संबंध, हमारे पति पत्नी के संबंध से चलेगी? हम अपना देश, हम अपना परिवार तो चला सकते हैं, क्या हम राष्ट्र को, हम अपने समाज को, क्या हम ये सोचेंगे कि मेरी पत्नी हिंदू धर्म की है या मेरी पत्नी जैन धर्म की है तो मैं जैन धर्म के लिए काम करूंगा बाकियों के लिए नहीं करूंगा? ये हुआ है हमारे साथ। और राजीव गांधी के जब एसेसिनेशन हुआ था उनके बाद, उसके बाद से हमने इटली से लोन कभी नहीं लिया। तो ये डेटा जो है ना, ये आपको एक इंडिकेशन देता है कि हमारे राजनेताओं की क्या हालत है। और जितना ज्यादा आप उधार में चलते जा रहे हो, उधार में चलते जा रहे हो, अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि उधारी चुकाने के लिए उधार लिया जा रहा है। और क्योंकि आप अगली बार सत्ता में नहीं आओगे तो इसीलिए आप क्या कर रहे हो कि आपको डेवलपमेंट दिखाना है, केएमपी एक्सप्रेस बनाऊंगा, ये बनाना है, वो बनाना है, तो क्या करो, उधार लिए चलो, जाके लास्ट में कहां फंसोगे? जब आपका पूरा संसाधन, आपका पूरा राष्ट्र ही उधारी पे हो जाएगा तो आखिर में क्या होगा, जिससे उधारी लिया है ना आपने, वो आपके घर पे आ जाएगा और बोलेगा दे दो पैसा, नहीं तो आप मेरे पास आ जाओ, आपको मैं, आपके ऊपर मैं बैठूंगा। और इसका एक लाइव एग्जांपल है, 10 जून 2008, जैसे हम लोगों ने लोन लिया है ऐसे हमारा एक पड़ोसी देश है श्रीलंका, श्रीलंका ने भी इसी तरह से
चाइना से बहुत लोन लिया हुआ है, तो जब वो चाइना को पेमेंट नहीं कर रहा था ना, तो चाइना ने क्या करा, श्रीलंका के एक बहुत बड़ा पोर्ट है, मतलब मेन पोर्ट चाइना का श्रीलंका का वही पोर्ट है जिसको ये बोलते हैं हेम्बनटोटा पोर्ट, ये पोर्ट है, वहां का बंदरगाह है, मेजर बंदरगाह है। यहाँ पे ये मान के चलो कि हिंदुस्तान के साइड से जो भी हवाई जहाज जाते हैं ना, वो इस पोर्ट को छूते हुए जरूर निकलते हैं, यानी कि अमेरिका और ये वाला जो पोर्शन है हिंदुस्तान के राइट साइड वाला और हिंदुस्तान के लेफ्ट साइड वाला जो भी कंट्रीज हैं, इनको जब भी जाना होता है तो श्रीलंका के इस पोर्ट में उनका स्टे जरूर होता है, क्योंकि इतना लंबा चक्कर लगा के जो कोई भी जहाज है वो जा नहीं सकता, जिसके लिए तमिलनाडु ने गवर्नमेंट ने इसलिए सोचा था कि ये पैसा हम लोग कमा लें, तो उन्होंने राम सेतु तोड़ने की बात कर दी थी कि राम सेतु अगर टूट जाता है तो जो श्रीलंका के साइड से घूम के शिप जा रहे हैं वो हमारे बीच से निकलेंगे, तो उससे हमें रेवेन्यू अर्न हो जाएगा। तो चाइना ने क्या करा है, 10 जून 2018 को उनका ये पोर्ट एक्वायर कर लिया है, $585 बिलियन का उनके पास उधार था, उन्होंने ये पोर्ट अपने पास ले लिया है और इस पे पूरा जो जो भी कार्य अब इस पे होता है वो सारा चाइना का है, यानी कि श्रीलंका का पोर्ट वो श्रीलंका का नहीं रहा, वो अब चाइना का बन चुका है। ये है उधारी का आखिरी हिस्सा, इसमें श्रीलंका वाले और उनके बीच में लड़ाई भी चलती है, जैसे इन्होंने क्या करा वहां पे कई तरह की और चीजों को शुरू करा, तो श्रीलंका गवर्नमेंट ने बोला कि आपको हमने ये जो पोर्ट दिया था वो मैरिन काम के लिए या पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए दिया था, लेकिन आप इसको एंटरटेनमेंट और टूरिज्म पर्पस के लिए आप यूज नहीं कर सकते। ये न्यूज में आया, चाइना ने माना, आपने मेरे से उधार लिया हुआ है और मैं आपको कहूंगा कि आप जाके वहां से एक बाल्टी उठा के लाओ, आप मानोगे नहीं, आपको मानना पड़ेगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली आप मेरे कर्ज में डूबे हुए हो। अब आप चाहते हो कि 99 साल पूरे होने में 30 साल बचे हैं सिर्फ, ये 30 साल में हिंदुस्तान की ऐसी हालत ना हो, तो आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग भी कम से कम, ये दिवालियां आ रही हैं, ये आप त्योहार मना रहे हो, इन चीजों में जितना हो सके जो ये स्वदेशी के लोग बेच रहे हैं, हो सकता है इसके बीच में कई लोग बिजनेस भी कर रहे हों, यही मान लेना कि हमारा भाई बंद है स्वदेशी का काम कर रहा है, इससे लूंगा उधारी तो नहीं चुकेगी। आप अगर चाइना से इंपोर्ट की हुई चीजों को खरीदोगे, चाहे इंडियन रुपीस में आप खरीद रहे हो, अल्टीमेटली वो पैसा डॉलर के रूप में चाइना में ही जा रहा है। अब वो भाई पीछे जो है मूर्ति लेके बैठा हुआ गणेश जी की और लक्ष्मी जी की, मुझे नहीं पता कि उसकी बिकेगी कि नहीं बिकेगी, लेकिन जब हम बाहर जाएंगे तो चाइना से बहुत सुंदर सुंदर लक्ष्मी की और गणेश की मूर्तियां भी आ रही हैं, वही खरीदेंगे, वो घर पे लेके आएंगे, चाइना की लाइट लेके आएंगे। अरे दीवा जलाइए, दिया जलाइए देसी घी का, हमारे दिल्ली के अंदर वैसे ही इतना प्रदूषण है, तो अगर हर घर देसी गाय का दिया जलाता है, और ये प्रूफ हो चुका है कि अगर आप देसी गाय का दिया जलाते हो तो वो ऑक्सीजन बनाता है, 1 तोला घी 1000 से 1600 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देता है, तो अगर हम सारे मिलके उस दिए को जलाएं, हर परिवार, चलो कोई बात नहीं, देसी घी का दिया महंगा होगा, देसी घी महंगा मिलेगा, आपको किसने कहा कि 50 जलाओ, 10 जला लो, 10 से भी दिवाली बनेगी, आप मोमबत्तियां जलाओगे तो मोमबत्तियां चाहे 100 लगा लो, आप क्या कर रहे हो, प्रदूषण बढ़ा रहे हो, कल को वही सांस ले रहे हो, फिर मेरे पास वीरेंद्र भाई के पास आते हो कि अस्थमा हो रहा है हमें। एक डेटा मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर हम लोग जितने लोग भी हम बैठे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटा लीक नहीं करती है, दिल्ली में 80% लोग माइल्ड टीबी के शिकार हैं, यानी कि हम में से यहाँ बैठे हर 10 में से 8 लोग माइल्ड टीबी के शिकार हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, जब वो टीबी भर जाती है तब हमें पता चलता है कि हाँ टीबी हो गई है। तो इन चीजों से बचना है तो स्वदेशी को लगाना पड़ेगा। मेरे पास भी ये रैपर था, मैं रैपर लेने गया था कि बच्चों के लिए प्रोजेक्ट के टाइम पे मैंने कुछ रैपर खरीद के रखे थे, वो रखे हुए थे, लेकिन जैसे जिज्ञासा बहन ने ये किया तो मैं सबसे पहले न्यूज़पेपर ही लेके आया था कि क्यों ना वो किया जाए, मैं क्यों लूं, वो रैपर भी मुझे लग रहा है चाइना से आया होगा, जो उसने मुझे 50 रुपए के अंदर कम से कम 150-200 पीस पकड़ा दिया। ठीक है, उस समय हमें ज्ञान नहीं था, 2012 में मैंने राजीव भाई को सुना, इन चीजों के बारे में जाना, मुझे ज्ञान नहीं था तब, लिया अज्ञानता में लिया चलो, लेकिन अब जितने परिवार यहां बैठे हैं आपको तो ज्ञान हो गया, तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा
यही गुजारिश है कि अगर आप ये संकल्प लेके जाते हो कि जितना हो सके 100% नहीं सही 20% 10% 50% जितना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, आपको वो चीज़ बाजार में मिल सकती है, तो आप कम से कम देसी चीज़ों का इस्तेमाल तो कीजिए। कुम्हार से कुछ खरीद तो लीजिए। और एक बार बताऊँ मैं, अगर आपका दिल ना भी कर रहा हो, आपको ज़रूरत ना भी हो ना, तो भी एक मटका खरीद लीजिए, किसी गरीब को दे दीजिए। कुम्हार भी खुश, वो गरीब को पानी में मिल जाएगा। जरूरी नहीं, अगर आपके आपके अंदर क्षमता है, आपको ये चीजें मिल रही हैं और आपके अंदर क्षमता है कि आप ये चीजें ला सकते हैं, तो आप खरीदिए, खरीद के किसी और को दे दीजिए। बेशक से आप घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, मत कीजिए। लेकिन 30 साल बाद श्रीलंका की तरह हमारी हालत ना हो जाए, इसका ध्यान रख लीजिए। नहीं तो ये गारंटी देता हूं मैं कि 30 साल के बाद, 99 साल के बाद जब हमें रिन्यू करने के लिए हम पहुंचेंगे ना दोबारा से इंग्लैंड में, वो कहेंगे कि आप तो डेप्थ के अंदर डूबे पड़े हो, आपसे तो देश की इकोनॉमी नहीं संभाली गई, आप क्या करोगे। तो ऐसा करते हैं, आपके पार्लियामेंट में 10 मेंबर मेरे यहां से इलेक्टेड जाएंगे जो आपका फाइनेंस को देखेंगे। आपका आधा देश वहीं पे चला गया गुलामी में। अगर 545 में से 10 मेंबर्स ऐसे आ गए जो वेस्टर्न कंट्री से आके पास बैठ गए और आके आपको बैठ के आपको उन्होंने ये बोल दिया कि आपके सारे फाइनेंशियल जितने भी डिसीजंस हैं वो हम लेंगे, तो आपका देश मान के चलो कि गुलाम हो गया। तो आपके आपके पास आप नहीं चाहते हो, आप सोचोगे कि हमारी ज़िंदगी बीत चुकी है, 30 साल में देखें क्या होगा। ध्यान रखिए कि आप ही के बच्चे हैं, आज हम राजीव भाई की फ़ोटो लगा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे हमारी फ़ोटो देखने के बाद या हमारे पोते या पड़पोते देखें कि यही थे जो हमारे देश को बेच के चले गए। क्योंकि 1980 के बाद से लेके अब तक का जो हालात हुआ है भारत का, वो इसका वर्स्ट है। सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन 80 के बाद बिगड़नी शुरू हुई है। और 80 के टाइम पे जो लोग जवान थे और यहाँ बैठे हैं, ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी देश को संभालने की। आज मैं 90 में इस उम्र में आया हूँ, उनकी उम्र में 35-40 साल में, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ। कम से कम मरने के बाद ये तो नहीं रहेगा कि मैंने कुछ किया नहीं। तो अपनी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। और अब आप बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो ये संकल्प करते हैं कि आप यहाँ से जब जाएंगे तो स्वदेशी को लेके जाएंगे। तो जिन्होंने हाथ खड़े करे हैं वो आप बोलेंगे खाली, बाकी लोग चुप रहेंगे जिनके हाथ खड़े नहीं है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। हरिओम। तो संदीप भाई के लिए एक बार फिर से तालियां बजाइए। तो हमें लगता है कि सिर्फ स्वास्थ्य की बात करने के साथ साथ ये विश्लेषण भी आवश्यक है जो राजीव भाई करते थे। हमें तो लग रहा था कि राजीव भाई का आगे का डेटा जो है इन्होंने खंगाल के निकाला है। तो 1.5 साल की मेहनत है जिसे आधे घंटे में समेटने की इन्होंने कोशिश की है। कैसा लगा आपको ये? तो अभी इसका जब भी वीडियो रिलीज होगा तो थोड़ा सा हंगामा मचेगा कि कांग्रेस का भी नाम आया, राजीव गांधी का भी नाम आया, तो उछलेंगे वो लोग। तो कोई बात नहीं, वही मकसद है कि कम से कम सही लोगों तक सही मैसेज पहुंच जाए। कई लोग ये भी कहेंगे कि इलेक्शन आ रहा है तो इसी समय पे ये क्यों उठाया जा रहा है, आप बीजेपी के हो क्या, हमें पता है। मैं बोल रहा था इनको कि देना, ये सिद्ध यही बात आएगी कि इतने सालों से क्यों बैठे हुए थे, अभी तक क्यों नहीं बताया डेटा ये। भाई जब मुहूर्त आ गया, अच्छे काम का कर दिया हमने। तो जो इन्होंने बोला उसके बाद को कंक्लूड करते हुए, मेल भाई और जिज्ञासा बहन से निवेदन करूंगा, कृपया आप आइए ना, आप लोगों को मंच आपके बिना सुना है। तो जिन लोगों का परिचय जो बाद में आए हैं, जो आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं, हम तो, मैं और संदीप भाई तो साइड के वक्ता हैं, ये मुख्य वक्ता हैं हमारे, जिनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। तो अभी हम इसके मेहुल भाई को सुनेंगे, बस इनकी बात को कंक्लूड करते हुए कि जो लोग इस पूरे कम जो फाइनेंशियल डेटा था, इन सब से ज़्यादा सरोकार नहीं रखते हैं, जैसे घर की महिलाएं हैं। मैं एक बात उनको बता देता हूं कि 1947 में जो आज मैं बहुत सारी चीज़ों पे हम दोनों मिलकर रिसर्च करते हैं, इस डेटा पे भी ये अकेले काम कर रहे थे, हमारा कुछ थोड़ा बहुत योगदान रहा कि किस प्रकार प्रेजेंट करना है। लेकिन 1947 के हिसाब से जो आज हम सोच रहे हैं 30 साल बाद, कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आज मान्यता मिलती जा रही है, जैसे कि बिना शादी के बाहर भी आपके संबंध हैं तो वो अपराध नहीं है,
समलैंगिकता को भी मान्यता मिल गई है, तो इस प्रकार की चीजों को मान्यता देने की मानसिकता जो सरकार सपोर्ट करेगी, लोग भी उसी को सपोर्ट करने वाले हैं। 2047 तक ऐसा होने वाला है कि जब मान लीजिए वेश्यावृत्ति है, उसको यदि लीगल बनाना है, यदि बिना शादी साथ रहने को लीगल बनाना है, ये सब चीजों को लीगल जो बनाएगा, वो कहेंगे जी यूरोप वाले जैसे इन्होंने कहा कि सांसद वगैरह यहाँ पर नियुक्त कर दिए जाएंगे, वो कहेंगे जी आप लोग करोगे हमारे लिए ये मानसिकता, हाँ जी हम करेंगे, तो ऐसा करो आप ही संभाल लो देश। उस समय आपको ये नहीं लगेगा कि किसी दूसरे के देश में हमारा हाथ जा रहा है, नहीं, आप खुशी खुशी हमारे जो यहाँ लोग नहीं है, जो दुनिया में भारत में करोड़ों लोग हैं जो इस मानसिकता के हैं कि जो भारत बस अच्छे चलना चाहिए, साफ सुथरा बन जाए, यूरोप अमेरिका जैसा बन जाए, बाकी मानसिकता भले ही खराब हो जाए वो नहीं चाहिए उनको, तो वो लोग खुशी खुशी वोटिंग करके बाकायदा उन लोगों को सेलेक्ट करके कहेंगे कि आप ही लोग चला लो। तो उस मानस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और उसके अंदर ये भी शर्त होगी कि देखो भैया नहीं करना तुमको, मान लीजिए हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, हमारे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं 30 साल में बिल्कुल व्यस्क हो जाएंगे, तो ये लोग विरोध करें मान लीजिए, तो उनको कहेंगे एक काम करो ये पैसा चुका दो, ये तो तुम्हारी सरकारों ने लिए, पैसा चुका दो, ये चुकाओगे ठीक है, नहीं चुकाओगे तो श्रीलंका के बंदरगाह की तरह तुम्हारा देश भी हमें दे दो। कंडीशन रख सकते हैं ना, हम तो सिर्फ विश्लेषण कर रहे हैं, कोई ना कोई कंडीशन तो सच होगी ना। आज कैसे सोच सकते हैं हम कि बिना शादी के साथ रहना को हम लोग मान्यता मन में दे बैठे हैं, हो गया है ना, पहले सपने में भी नहीं सोच सकते थे लोग, किराए पे घर भी नहीं मिलता था किसी को, क्या मिल रहा है, तुम गांव में नहीं रखोगे हम दिल्ली शहर में आके बस जाएंगे। तो आप समझिए कि हमारा तथाकथित जो भी ये बढ़ रहा है, हम लोग यहाँ ब्लेम करने के लिए नहीं बैठे हैं, अपने मन में एक कोर्स ऑफ एक्शन भी हमको बनाना है, क्योंकि हो क्या रहा है राजीव भाई को सुनने के बाद हम केवल कमियां निकालने में, ये कम है, ये सरकार ये नहीं कर, ये नहीं कर, अब हम क्या करें। वो करने के लिए ही एक अनौपचारिक रूप से हम बैठे हैं यहाँ पर, कोई बहुत कोई संस्था में कोई पद वगैरह यहाँ पर नियुक्त नहीं किए जा रहे, इनको भी किसी ने कहा नहीं है ये काम करने को, लेकिन कर रहे हैं ना। आप में से जो इस डेटा को और आगे बढ़ाना चाहता है, इसमें एक बहुत अच्छा एक व्यक्ति यहाँ पे आया, प्रखर कहाँ पे प्रखर, हाँ आओ प्रखर एक बार। ये जो प्रखर भाई है कानपुर से हैं, और ये क्या एज है आपकी, 21 साल। मैं 3-4 साल से मिल रहा हूं, मतलब 18-19 साल के भाई था, ये आगे चल के इतना बड़ा पत्रकार बनने वाला है कि जो हमारे इन मुद्दों को उठाएगा। ये 2 साल पहले बोले थे जंतर मंतर पे, ये जंतर मंतर पे मेरे पास आया था भाई, और इनके पास एक फाइल थी, उसमें इन्होंने कहां कहां की न्यूज डेटा कलेक्ट नहीं कर रखा था तथ्यों के साथ कि देखो वीरेंद्र भाई इन्होंने ये किया ये किया। मैं उस दिन मैं इनकी बात सुनी मैंने, लेकिन मैं ये देख रहा था, देखिए इस उम्र में ये भाई फाइल लेके अपने साथ घूम रहा है, इतनी सारी कटिंग, पॉलिटिशियन ने ये कहा वीरेंद्र भाई इसने देखो इस डेट को ये कहा। तो मुझे लगा कि आगे चल के भविष्य में जो हमारी बातों को आवाज देने वाले लोग होंगे उनमें से ये भाई एक बनेगा। आज एक अखबार भी निकाला हुआ आपने, एक टेबलॉइड टाइप का एक निकालने का इनका है, टेबलॉइड टाइप है ना, हाँ एक मैगजीन कुछ निकाल रहे हैं आप ना, हाँ तो मैगजीन निकालने का भी ये पूरा प्रयत्न कर रहा हुआ इन्होंने। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे इन भाई का नंबर आप लेकर जाइएगा, ये भाई को जो भी कुछ न्यूज वगैरह आगे चल के कंटेंट की जरूरत पड़ेगी आप दीजिए इनको, जिससे कि इनका प्रोत्साहन बढ़े और इस देश में कुछ बड़े स्तर पे ये हमारे राजीव भाई की आवाज को इनको उठाने वाले ऐसे पत्रकार भी हमारे देश में बनने चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रखर भाई, आप आए बहुत अच्छा लगा। हाँ तो अब मैं चाहूंगा कि जिसका हमें थोड़ी प्रतीक्षा थी कि मेहुल भाई जो है, आप मेहुल भाई कृपया करके जितना समय ले सके उतना इनको भूखा लगने दीजिएगा, ये जब तक नहीं कहेंगे कि बस करो तब तक आप बस मत करिएगा, और बिल्कुल अपने जो ज्ञान की पूरी वर्षा इन पे कर दीजिए। मैं एक बात आपको और बता देता हूँ, जिन लोगों के मन में भी कोई प्रश्न रहे वो लिख कर रख लीजिएगा, लेकिन मेहुल भाई सिर्फ इस एक कार्यक्रम के लिए नहीं आए हैं। मेहुल भाई ने आगे जो रूपरेखा बनाई है वो ये है कि आप लोगों में से जो भी आचार्य जैसे संस्कृत सीखना चाहता है, वैदिक गणित सीखना चाहता है, जिसका भी आचार्य बनने का आपके मन है, गुरुकुल बताया था पिछली बार, गुरुकुल यदि आप खोलना चाहते हैं या कोई गुरुकुल खुला हुआ उसमें आप आचार्य की भूमिका में जाना चाहते हैं, तो ये आचार्य निर्माण में भी आपको पूरी कक्षा देंगे जिसमें केवल व्यवस्था का खर्च लगेगा, बाकी और कोई खर्च नहीं है, ये इन्होंने हमें बोला, यही है मेहुल भाई। हाँ व्यवस्था होगी, भोजन रहने वहने की जो भी होगी उसकी व्यवस्था का खर्च लिया जाएगा, उसके अलावा कोई कोर्स वगैरह जो भी कुछ कराएंगे पढ़ाएंगे, तो 2-3 पहला तो एक कॉमन सत्र होगा, उसके बाद अगला जो है स्पेशलाइज, जिसकी मान लीजिए वैदिक गणित वालों को अलग होगा, संस्कृत वालों को अलग होगा, ऐसे ही सेशन लेंगे। तो हम जरूरी नहीं कि यहां करें कार्यक्रम, संख्या कम होगी तो हम कहीं और भी जहां पर कम पैसे में कुछ व्यवस्था हो जाए हम कर लेंगे।
तो आप लोग उस मानसिकता के साथ सुनिएगा कि जो ये बता रहे हैं उसको आगे वाली आने पीढ़ी के लिए आचार्य बनकर भी हम लोगों ने पहुंचाना है। तो खुले मन से सुनिए, इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए, ज्ञान का आनंद लीजिए, सिंसियर हो जाइए, सीरियस भले ही ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि मेहुल भाई मन संभालें और ज्ञान की वर्षा हम पे करें। बहुत बहुत धन्यवाद।